Once again, welcome to Chilte Group. Yes, sir is there. Like everyone have joined with full name. Thank you, each and everyone. Hello, sir. Are you there? Yes. Yes, sir. It's up to you, sir. You can like share your screen and we can start our session. If there's any kind of doubt and query, you can simply have my number over here. You can just simply connect. यस सर, आप स्क्रीन शेयर करके कर सकते हैं। ओके चल। हाय गुड मॉर्निंग। गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? यस सर, यस विजिबल है। चलिए, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर या कहीं ब्रेक हो रही है? नहीं सर, आ प्रॉपर रही है आ रही सर। है। गुड टू गो। ओके ओके। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट डे है आज, राइट? तो सबसे पहले हम चीज़ें समझेंगे जो मार्केट के अंदर जो टूल है, टेक्नोलॉजी है, वो आज जो भी है, डेवॉप्स है, AWS क्लाउड है, राइट? कुछ भी हो, पहले हम इसके रोड मैप में बात करेंगे। अल्टीमेट कैसे हमें अपने आप को स्विच करना है, कहाँ पे? IT इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी IT इंडस्ट्री हो, TCS हो, विप्रो हो, एसेंचर हो, कॉन्टिनेंटल हो, हमारा फोकस होना चाहिए कंपनी के अंदर जॉब कैसे लेना है हाईएस्ट पैकेज के साथ। ठीक है, आज अगर IT में आ रहे हो तो आपका एजेंडा होना चाहिए कि हमारी जॉब लगनी चाहिए और पैकेज भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम पूरा बात करेंगे। क्यों कंपनी यूज़ कर रही है डेवॉप्स, आज क्या है टूल्स, किस किस टूल्स पे हमें फोकस करना है, क्या अल्टीमेट रोड मैप होना चाहिए, सारा कुछ, राइट? अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास स्किल्ड है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन आपको पहले समझना है कौन कौन इसको कर सकता है डेवॉप्स के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के माइंड में, राइट? तो वो क्वेश्चन मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा ओवरव्यू लूंगा, इंट्रो लूंगा। इंट्रो के अंदर आपको क्या बताना है कि अगर आप वर्किंग हो किसी IT इंडस्ट्री के अंदर, वर्किंग हो तो आप बताइए सर मैं वर्किंग हूँ। ठीक है, IT में हो तो IT बताइए, अगर आप नॉन IT में हो तो भी बताइए सर मैं नॉन IT में काम कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट जागा होगा कि आपका कोई फ्रेंड IT में आज अच्छा पैकेज लेके बैठा हुआ, राइट? आप नॉन IT में वर्किंग है तो आप मुझे एक्सप्लेन करिए, बताइए सर मैं ये हूँ। आपने अभी रिसेंटली पास आउट हुए हो तो भी बताइए कि सर मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ, क्या हम ये सीख सकते हैं, पॉसिबल है? सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना टाइम कभी किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए दिया हो, राइट? जैसे SSC, बैंकिंग, राइट? अगर यहाँ पे आपने दिया टाइम, बताइए कि सर मैंने यहाँ पे दिया 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, क्या मैं कर सकता हूँ, इस पे भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो और सिविल बैकग्राउंड से हो और काम कर रहे हो और उनको लगता है मुझे यहाँ पे आना है डेवॉप्स में, पॉसिबल है तो आप भी मुझे ये बताइए, राइट? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एजुकेशन में काफ़ी लंबा गैप हो, राइट? 3 साल, 10 साल, कुछ भी हो, गैप है आपके एजुकेशन के अंदर, आपने मान के चलो तैयारी की और गैप पड़ गया और आप सीखना चाह रहे हो, पॉसिबल है तो ये भी हम बात करेंगे, राइट? तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप मुझे थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, फिर उस हिसाब से मैं आपको पूरा अल्टीमेट रोड मैप बताऊंगा जिसको समझ के आप इजिली स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप बता दो। आशीष सर आप बता दीजिए।
जी सर। सर मैं तो अभी मतलब बीटेक खत्म हुआ था 2021 में, और उसके बाद घर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं पहले से ही जॉब कर रहा था, नॉन आईटी बैकग्राउंड में अकाउंटेंट था, तो अभी भी वही कर रहा हूँ। कार कंपनी में, हुंडई कार कंपनी में। तो अब हमारा दोस्त जो है वो मतलब अच्छा अच्छा पैकेज में है और अच्छे मतलब अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं समझ समझ गया मैं आईटी सर, कंपनी आपकी बात समझ गया मैं, आपके दोस्त अच्छे पे। आपका ब्रांच क्या था बीटेक में सर? में। मेरा सर कंप्यूटर साइंस में था सर। कंप्यूटर साइंस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलेगा। आप अगर 2021 में पास आउट हैं, सॉरी, चलेगा। आपके पास 2 साल है, 2 साल को कैसे यूटिलाइज करना है सारा मैं आपसे बताऊंगा, ठीक है? चलेगा, थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट वन अभी। अनूप, बाबुली, किरण, मयूर, आप लोगों को आ रही मेरी आवाज? बाकी जो नहीं बोल पा रहा वो हेलो सर। चैट पे भी लिख हेलो सकते हैं, मैं चैट से बता दूंगा। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम बाबुली है और मैं जी बहुत 2020 में बीएससी आईटी किया था और मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन थोड़ा गैप हुआ और फैमिली के प्रॉब्लम वजह से मैं मारुति सुजुकी में अब जॉब कर रहा हूँ और मैं आईटी को स्विच करना चाहता हूँ, मतलब ओके बीएससी ग्रेट। आईटी में। 2022 बीएससी आईटी से चलेगा, आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है? अभी 3 साल का आपका ग्रेजुएशन, ठीक है? मयूर आप बता रहे थे, बोलिए सर। जी जी सर, हेलो। बोलिए ओके बोलिए सर। सर, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2021 एट कॉमर्स बैकग्राउंड, बीबीए। ओके For that, कॉमर्स। I was doing MBA, but due to personal reason, I didn't complete the MBA. कंप्लीट नहीं हुआ या छोड़ दिया आपने, क्विट कर नहीं दिया? हो दिया। चलेगा चलेगा, आपके पास बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एजुकेशन, चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है? 2021 में 2 साल आपके पास गैप है, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट ओके सर। वन नेहा, श्री रूप, शुभम, हेलो सर, दिस इज श्रीरू हियर। बोलिए बोलिए हेलो सर। सर, मैं 2020 का एमबीए पास आउट हूँ। 2020, यस, 2022 ओके, 22 2022 एमबीए, जी ओके। सर। तो अभी तो फिलहाल मैं अभी जॉबलेस हूँ, ये कोर्स के बाद अपॉर्चुनिटीज का होप कर रहा हूँ। बिल्कुल होप नहीं करिए सर, उम्मीद रखिए मिल जाएगी जॉब, बताऊंगा मैं आपको कैसे, ठीक है? और चलिए, एक साल का थोड़ा दिक्कत। हेलो, 1 ईयर, कोई नहीं, मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा। जी सर बोलिए। हाँ सर, मैं 2021 में पास आउट हूँ और टीसीएस में वर्किंग हूँ। टीसीएस में, ग्रेट सर। टीसीएस में आपकी क्या प्रोफाइल है अभी? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी। ओके ओके, सिस्टम एडमिन। तो सिस्टम एडमिन में क्या क्या करते, थोड़ा सा बताएंगे आप? मतलब अभी तो सर, मतलब वो एप्लीकेशन मॉनिटरिंग का है और कुछ एप्लीकेशन, टूल है ओके उस। आप, ओके ओके। मॉनिटरिंग में कौन सा टूल यूज हो रहा है? डेटा डॉग, जेबिक्स, नहीं, डायनाट्रिस सर। क्या नाम बताया? डायनाट्रिस। ओके, तो टोटल कितना एक्सपीरियंस हो गया? 2 साल, हाँ दूसरा। चलेगा, ग्रेट ग्रेट। आप एक्सपीरियंस हो टीसीएस में, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट? हाँ थैंक चलेगा, यू। और कोई है यहाँ पे? हेलो सर, बोलिए सर। दत्तात्रेय वाघमारे। जी, सर हेलो। बोलिए। हाँ, हाँ सर मेरा बोलिए, आवाज आ बीएससी रही है। हुआ था 2017 में। अभी मैं आईटी में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। ओके, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 7 ईयर आप मतलब एक्सपीरियंस है, राइट? अब आप इसको ना यस सर। अपने नॉलेज के बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे।
और ये भी हुआ चलेगा। है हमारा, AWS हुआ है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सर्टिफाइड है और आप? IT नहीं सर, कोर्स हुआ है, सर्टिफिकेशन नहीं किया है, और IT कहाँ से सर्विस किया आप? मैनेजमेंट कोर्स, कंपनी का, राइट? मिडकॉन 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 नहीं ओके ओके, आपने पहले से किया। ओके ठीक है, तो आपके यस पास क्लाउड का नॉलेज है। और इसके अलावा और कुछ IT किया सर्विस आपने मैन AWS? IT सर्विस मैनेजमेंट ओके ITI ओके ठीक है ठीक है, तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है जिस कंपनी में आप एज अ सिस्टम एडमिन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ना अपने आप को अपग्रेड करना होगा कि कैसे आपको राइट पैकेज टूल्स के बिहाफ में सैलरी, अगर आप 10 पाओगे तो चाहोगे 20 मिले, 20 मिल रहा है तो 30 मिले, 30 मिले तो 35, है ना? हम सब चाहेंगे, और कल को हमें कंपनी निकालना दे तो हम चाहेंगे कि हमारी जॉब भी बचे रहे, तो उसके उसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मार्केट है चलेगा, आप IT से हो, नॉन IT से हो, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। ठीक है चलेगा। और कोई है यहाँ पे जो काम कर रहा हो IT में? कोई है जो AWS में काम कर रहा हो यहाँ पे, AWS या लिनक्स में, या हेलो किसी सर। की ऐसी प्ले? जी मैम बोलिए। हाँ नहीं है यार सर, मैं कैपजेमी में वर्क कर रही हूँ और सेल्स स्क्रिप्ट टीम पे वर्क कर रही हूँ अभी। ओके ओके ग्रेट मैम, आप कैपजेमिनी, अच्छी कंपनी है। प्रोफाइल आपकी क्या, प्रोफाइल आपके भी? 22 के पास आउट हुआ तो एसोसिएट ही है फर्स्ट वाले। चलिए छोड़ दी, सेल स्क्रिप्टिंग में, ओनली स्क्रिप्टिंग में ही काम करते हैं कि और भी कोई टूल है? हाँ टूल है ना ETL। तो स्क्रिप्टिंग आप खुद से लिखती हैं? हाँ कोड में ऑलरेडी लिखा होता है बट थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करना पड़ता है ना तो करते। हेलो हेलो हाँ नहीं, वेट वेट जस्ट हेलो Wait a minute, guys. I think some network connection issue. Just 3 minutes. Aniket, could you please join with your full name? And yeah, I think having some network issue over here. Don't worry. And I'd like to request those are new today. Kindly do connect with me on the same number WhatsApp I have and all. Okay. So just a minute. I think some network issue. Aniket, are you there? Please join with your full name, buddy, because we have so many Aniket away. Am I audible, everyone? Yes, sir. Even he was got some stop with network connections, no issues. It happens sometimes, you know. Thank you, Aniket, for joining with your full name. Okay. Just joining now. Or going new hai, so you can just reach out me on the same number WhatsApp and call me. Regarding the admission, and because our still admission is opening going up, so you guys can also like refer your friends, brothers, sisters, you know, each and everyone. You can refer also. जैसे कि आप सारे पर्सन ठीक है, yes, someone is there but having some trouble with some network issues. Sometimes it's happen, right?
वेट मिनट में, आई जस्ट वॉच मैंने अभी तो सब क्या इशू हो रहा है, सो उस वजह से ही अभी कर ली। यू आर न्यू टू द राइट, जस्ट लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग वंस। आई जस्ट वांट टू पॉज दिस रिकॉर्ड सो दैट आपको पता चले। यस सर। चलिए, थोड़ा इंटरनेट ना एक्चुअली सडनली आज फ्लैक्चुएट हो रहा, तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो ना, क्योंकि होता नहीं है, लेकिन अभी गया, अभी मैंने कनेक्ट किया। चलो, तो हमारी बात चल रही थी यहाँ पे इंट्रोडक्शन की, तो सेल स्क्रिप्टिंग में मैम आप क्या करती हैं कंपनी में, थोड़ा सा बताएंगे आप, सो दैट और लोगों को भी पता चले, फिर मैं आपको ओवरव्यू दूंगा तो उसमें आपको डीपली बताऊंगा। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ सर, मैं सेल स्क्रिप्ट में लाइक स्क्रिप्ट होते हैं ना, तो उसमें कमांड यूज करके थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है, वो करती हूँ। मैं कुछ इश्यू वगैरह आया तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। हेलो। यस रोहुल, यू आर ऑडिबल। जस्ट सर, आपके आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं लगी कुछ प्रॉब्लम हो नहीं, गया। वो थोड़ा नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर थोड़ा हो सा रहा था। कोई नहीं, थोड़ा सा वर्केशन। हाँ ठीक है, सारी देर, बट वो चेक करें स्क्रीन साइड के, है ना, अपना स्क्रीन आपको दिख रहा है ना सर का? नहीं सर। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है सर बस की। कभी दिखा है? वही थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, वो चेक कर रहे हैं। वेट कर लो, तो दिख रहा है बट आवाज नहीं आ रहा। राइट, आई थिंक वो रिज्वाइन कर, जस्ट चेक मिनट। यस मयूर, सर क्लास टाइम हमेशा अवे हियर गैदरिंग। हर किसी को कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा है ना गाइस, ऐसा नहीं है कि लाइक
ज्वाइन करो और आपको समझ में नहीं आ रहा है सार क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा किसी को नहीं लग रहा है ना? देखो जो आज थोड़ा वो नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद उस वजह से। एम आई ऑडिबल? कैन यू नॉट जस्ट लेट मी नो? बिकॉज आज का ये नेटवर्क कनेक्शन इतना इशू हो रहा है ना, लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ बट यू गाइस आर नॉट रिस्पोंडिंग, सो मेरे को भी लग रहा है कि मेरा भी नेटवर्क कनेक्शन कहीं इशू तो नहीं है। एम आई जी ऑडिबल जी राइट? आप यस यू आर यस ऑडिबल सुशांत। ओके वेलकम, थैंक यू। से कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है? नहीं, मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू, आप लोग सब लोग को समझ में आ रहा है क्या सर लोग चाह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ क्लास ज्वाइन करें और आपस एवरीवन सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में राइट। चलो अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर आ रही ये सर आ रही है। चलो ठीक है यस तो सर, यस सर आ रही है। ओके। तो हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात कर रहे थे राइट। डेवॉप्स को मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा जिसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे थे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने किया क्या है और आप डेवॉप्स सीख रहे हो तो आपको डेवॉप्स सीखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है तो जस्ट मैं आपसे ओवरव्यू ले रहा था तो ऑलमोस्ट लगभग मैंने आधे लोग का ले लिया। तो आप में से ये बताइए कि कोई ऐसा है जो सिविल बैकग्राउंड से है? अगर है तो बताइए। यस सिविल और मैकेनिकल कोई है यहाँ पे और वर्किंग हो इस प्रोफाइल में और आईटी में आना चाहता है? चलेगा। कोई ऐसा है आपके बीच में किसी का गैप हो? अच्छा बढ़िया। 3 साल 4 साल या 5 साल 7 साल कोई गैप हो कैरियर के बीच में? हेलो सर, सर बोलिए सर। मेरा 300 गैप हुआ था क्योंकि कितना? मैं 300 गैप हुआ था मेरा। 2020 में बीएससी आईटीएम खत्म हो गया था। मैं अच्छा थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा था तो इसलिए थोड़ा गैप हो गया था। ओके ओके सर अभी मैं चलेगा। मारुति सुजुकी में सर। ओके 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 चलिए। कोई और है तो जो आप में से कोई और है जो अपनी इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं फिर हमें स्टार्ट करें? चलिए सर मेरा दो सर बोलिए बोलिए सर। मेरे सर 2 साल का गैप है जी। 2 ईयर गैप है राइट। कुछ काम का एक्सपीरियंस या फिर सिर्फ गैप है कहीं प्रिपरेशन किया आपने? नहीं, मैं सर अकाउंटेंट था सर, अभी ओके ओके भी चलिए अकाउंटेंट पे काम कर रहा हूँ जी। चलेगा चलेगा चलेगा। तो हम क्या करेंगे चलिए हम समझते हैं। पहले हम डेवॉप्स सीख रहे हैं तो डेवॉप्स समझो पहले। आज कंपनी में डेवॉप्स यूज कहाँ पे हो रहा है पहली बात? ठीक है कंपनी क्यों यूज कर रही है डेवॉप्स पहले हम बात करेंगे कंपनी के ऊपर। और कंपनी जब यूज कर रही है तो कौन कौन इसको सीख सकते हैं? सबके लिए अप्लीकेबल है ऑल। अगर आप वर्किंग हो मैंने पूछा आप नॉन आईटी से हो आप सिविल से हो आपका बैकग्राउंड हो अगर आप आईटी में वर्किंग भी हो किसी प्रोफाइल में चाहे वो सिस्टम एडमिन हो चाहे लिनक्स की प्रोफाइल में हो चाहे आप सेल स्क्रिप्टिंग में काम कर रहे हो लेकिन आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो लेकिन किस में कर रहे हो? एक छोटे से टूल के एक छोटे से पार्ट में कर रहे होगे आईटी में राइट। तो आज मार्केट में बैठा है डेवॉप्स। डेवॉप्स क्या है? अब एक प्रोफाइल है ठीक है। तो मार्केट के अंदर हर कंपनी चाहेगी कि मुझे डेवॉप्स वाला बंदा चाहिए या बंदी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आज मार्केट के अंदर डेवॉप्स पॉपुलर हो चुका है। डेवॉप्स कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा फोकस मत करो। इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आती है। तो जिस बंदे को जितने नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आती है वो कहलाता है डेवॉप्स इंजीनियर। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कंपनी क्यों हायर करती है डेवॉप्स इंजीनियर को? आज की बात करें आज की डेट में बात करें 2019 जब कोविड आया था पहले कोई नहीं जानता था। अब ये सारी चीजें आ गई। अब कोई ऐसा था जो कोविड में जिसकी जॉब लग गई ठीक है अब वो बंदा नॉन आईटी से था। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मैकेनिकल में 8 8 साल से काम कर रहे थे उनकी सैलरी 35,000 पर मंथ थी। आज वो 17 LPA का पैकेज लेके बैठा हुआ। 17 LPA बोलता है सर मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल कंपनी में बर्बाद किए। एक बंदा SSC की तैयारी कर रहा था एक बंदा IAS की तैयारी कर रहा था उसने 10 साल दिए गवर्नमेंट को सिलेक्शन नहीं हुआ आज बैठा हुआ 22 LPA लेके एसेंचर जैसी कंपनी में। पॉसिबल है? पॉसिबल है ठीक है। तो पहले हम समझेंगे रोड मैप कि आज जब डेवॉप्स सीख रहे हो तो आना क्या क्या चाहिए क्या क्या हमें सीखना चाहिए ठीक है।
किसी ने बोला सर मैंने ये सीख लिया, मैंने सेल स्क्रिप्टिंग सीखा, तो क्या आपके सेल स्क्रिप्टिंग से काम हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो मान के चलिए जिसे सेल स्क्रिप्टिंग आता है, तो उसको सेल स्क्रिप्टिंग आती है तो इतनी भी नहीं आती होगी कंपनी में आप उसको पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हो, स्क्रिप्ट बना के चला रहे हो, चाहे सेल स्क्रिप्टिंग हो, चाहे पाइथन में स्क्रिप्टिंग हो, कोई भी स्क्रिप्टिंग हो, आज चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेवॉप्स में पहले स्क्रिप्टिंग सीखो, फिर पाइथन सीखो, फिर AWS, नहीं। सबसे पहले आपको आना चाहिए वो है लिनक्स, ठीक है। पहला फाउंडेशन है कि लिनक्स आपको आता है। अब लिनक्स क्या, जैसे आपने विंडो में काम किया राइट, ऐसे पूरे कमांड लाइन ब्राउजर है। तो डेवॉप्स में आने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा अपना लिनक्स, राइट। जब आप लिनक्स सीखोगे उसके बाद मार्केट के अंदर आज क्लाउड आ चुका है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला सर मेरा दोस्त AWS क्लाउड में बैठा, मेरा दोस्त एजोर क्लाउड में काम कर रहा है, या फिर गूगल क्लाउड में काम कर रहा है, ऐसे हजारों क्लाउड मार्केट के अंदर हैं जो कंपनियां यूज कर रही हैं। ये तीन पॉपुलर क्लाउड हैं जो आज कंपनी को बूमिंग टेक्नोलॉजी बोलती है। उसमें भी आपका AWS नंबर 1 पे चल रहा है। अगर आपने AWS को, इस बात को याद रख लेना, अगर आपने AWS को 70% ईमानदारी से पढ़ लिया AWS को, तो AWS में भी आपको कंपनी जॉब दे देगी। जरूरी नहीं है कि आप पूरा डेवॉप्स पढ़ो, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। कंपनी में कैसे AWS में ही एक प्रोफाइल बन जाती है AWS एडमिन की, AWS में आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, AWS में आप बिलिंग के अंदर काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि AWS छोटा मोटा क्लाउड नहीं है, इसके अंदर आपको 200+ सर्विसेज मिलती हैं। आज कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्लाउड में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के एप्लीकेशन को चला रही है, उसके लिए मैनेज करने के लिए टीम हायर कर ली, जो बंदा AWS में अच्छा सा नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो कंपनी में काम कर रहा है 10 साल से, पहली बात समझो उसकी प्रोफाइल क्या होगी, या तो सिस्टम एडमिन होगी, या तो लिनक्स एडमिन होगी, या फिर किसी मॉनिटरिंग में काम कर रहा होगा 15 साल से। आज 2024 में क्लाउड है, 2020, 2019, 20, 21, 22 में यहाँ पे अभी मार्केट में डेवॉप्स आया। तो अब हो क्या रहा है, जो यंगेस्ट है 2022 में जो पास आउट है वो भी सीख रहे हैं, 2021 में पास आउट है वो भी सीख रहे हैं, 2017 में जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन किया वो भी पढ़ रहे हैं। अब जिसके पास जितनी लर्निंग कैपेबिलिटी है वो उस हिसाब से पढ़ के स्विच करके कंपनी में जॉब ले ले रहा है, ठीक है। और कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सबको जॉब दे रही है, चाहे वो IT की हो, मतलब IT में कोई भी कंपनी हो, वो सबको जॉब दे रही है, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास स्किल्ड है, आपको पता है कि डेवॉप्स में ये चीजें कंपनी में यूज हो रही है, आपने इंटरव्यू में बैठे इंटरव्यू में बता भी दे रहे हो, 30% कंपनी आपको हायर कर लेगी। जो डिमांड है डिपेंड्स ऑन आपका पैकेज क्या है, उससे डबल ट्रिपल मांगोगे दे देगी। फ्रेशर हो, स्टार्टिंग में जो पैकेज होता है वो हम बाद में बात करेंगे क्या होता है। तो पहले आपको सीखना है क्या लिनक्स, जब डेवॉप्स आप सीखने आ रहे हो, तो लिनक्स जब आप सीखोगे उसके बाद आपको जंप करना है किसी भी एक क्लाउड में। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AWS क्लाउड, इसमें आप अच्छा हैंड्स ऑन कर लो। तो अब ध्यान से सुनना, आपने दो टूल अच्छे से कर लिया ईमानदारी से, अप्लाई कर दो CV को, कंपनी आपको उठा के ले जाएगी। इन दोनों टूल्स में अच्छे से पकड़ बन गई आपकी, फिर बाकी के और भी टूल है मार्केट के अंदर। जैसे कि बात करें, किसी ने सेल स्क्रिप्टिंग बोला तो सेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। क्यों? आज कंपनी ऑटोमेशन कर रही है, ऑटोमेशन के लिए हमें स्क्रिप्ट चाहिए, हमें मैनुअल काम करने वाला बंदा नहीं चाहिए। आज सिविल वाला हो या मैकेनिकल में किसी इंडस्ट्री में जाओ, तो वहां पे भी ऑटोमेशन चल गया है। वर्कर जो काम मैनुअल करता था वहाँ ऑटोमेशन लगा दिया, C&I की टीम बैठी हुई है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, ऑटोमेशन चल रहा है, आने वाले समय में सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। इसलिए आज कंपनी बोलती है मुझे डेवॉप्स इंजीनियर चाहिए, मुझे डेवॉप्स वाला बंदा चाहिए, मुझे क्लाउड इंजीनियर चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो अभी मैंने दो टेक्नोलॉजी बात करी, लिनक्स और AWS, उसके बाद क्या पढ़े? तो मार्केट में और भी है, जैसे डॉकर है, तो फिर डॉकर आप पढ़ोगे। डॉकर का अपना कॉन्सेप्ट होता है, डॉकर अगर आप पढ़ रहे हो तो कंपनी में अगर डॉकर यूज हो रहा है तो कंपनी फिर क्यूबरनेटिस भी चला रही होगी। तो क्यूबरनेटिस में बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए। तो दूसरा टूल्स फिर बोलती, काम करो कंपनी में, हायर करो क्यूबरनेटिस जो क्लस्टर में काम किया हो, जिसने क्लस्टर सेटअप किया हो, राइट। तो ये चौथा टूल आ गया। अब कंपनी क्या बोल रही है कि AWS क्लाउड में भी हमारा इंफ्रा है, एजोर में भी है, गूगल क्लाउड में। तो इंफ्रा बनाने के लिए कंपनी बोलती एक और टूल है मार्केट के अंदर, टेराफॉर्म। तो कंपनी बोलती है टेराफॉर्म में जो बंदा आता है जिसको अच्छे से नॉलेज है उसको हायर कर लो। तो कंपनी टेराफॉर्म वाले बंदे को हायर करेगी। अब मार्केट में और भी ऐसे टूल्स आ गए हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एंसिबल को यूज़ किया जाता है। अभी मैं ये जो टूल लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आई नो, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊंगा कि इसको कहाँ पे डिप्लॉय करना, इस प्रोजेक्ट्स को, राइट।
तो कंपनी के अंदर आप देखो तो अजेंसिबल भी यूज हो रहा है, क्यूबरनेटिस भी यूज हो रहा है, डॉकर भी हो रहा है, उसके बाद पाइथन है मार्केट के अंदर, तो पाइथन भी आज कंपनी यूज कर रही है। तो कंपनी बोलती है मुझे पाइथन में एक्सपर्ट बंदा चाहिए, पाइथन वाला बंदा चाहिए, राइट। तो ऐसे कंपनी के अंदर और भी टूल है ऑटोमेशन के लिए, जेंकिंस, ठीक है। अब जेंकिंस में पाइपलाइन बनाई जाती है, CI/CD पाइपलाइन। तो कंपनी बोलती है मुझे जेंकिंस का एक बंदा चाहिए जिसको जेंकिंस में अच्छा सा हैंड्स ऑन, राइट। फिर यहाँ पे हमने सेल स्क्रिप्टिंग लिखा, तो सेल की स्क्रिप्टिंग हो या पाइथन स्क्रिप्टिंग हो, एक बंदा हमें इसमें एक्सपर्ट चाहिए। आज जो डेवलपर है कंपनी के अंदर, डेवलपर भी बोलता है सर मुझे डेवऑप्स सीखना है, राइट। तो पहले क्या होता था, मैनुअल सारी चीजें होती थी। तो आज कंपनी के अंदर चाहे डेवलपर हो, तो डेवलपर गिट में काम कर रहा होगा, या तो गिटहब में काम कर रहा होगा, या तो सर्कल CI में काम कर रहा हो, या तो बिट बकेट में काम कर रहा होगा। तो कोई ना कोई एक वर्जन कंट्रोल होगा जहाँ पे कोड की रेपोजिटरी होगी। तो कंपनी बोलती है हमें एक और नॉलेजेबल बंदा चाहिए जिसको गिटहब में नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो फिर आप गिटहब भी पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो टूल मैं लिख रहा हूँ, इन सबको कहीं ना कहीं कंपनी यूज करती, तभी तो हायर कर रही है डेवऑप्स इंजीनियर को। तो इतनी सी मैंने जस्ट टेक्नोलॉजी लिख दी है कि इतने बंदे को ये सारी चीजें आनी चाहिए, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब। अब यहाँ पे कंपनी जब आपको हायर करी है, तो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग टूल यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग के लिए कंपनी अलग अलग टूल्स यूज कर रही है, जैसे कोई जेबिक्स में काम कर रहा हो, या फिर कोई नागियोस में काम कर रहा हो, ये मॉनिटरिंग टूल्स हैं। और भी पॉपुलर हैं, जैसे आपने अगर सुना हो प्रोमेथस है, प्रोमेथस कंपनी यूज कर रही है, ग्राफाना नाम का कंपनी मॉनिटरिंग टूल यूज कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंपनी के अंदर टूल्स हैं। अब इसमें जिसको बढ़िया से नॉलेज है, कंपनी उसको बुलाएगी, 3 महीने में KT देगी, और आपको उस लेवल का बंदा बना देगी जो कंपनी को काम कराना है। लेकिन कंपनी के अंदर जाने के लिए, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका रेफरेंस हो, चाहे आप किसी भी रेफरेंस से जा रहे हो, कंपनी आपको नहीं रखेगी जब तक आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, ये टूल करते क्या है, कहाँ पे क्या चीज यूज की जाती है, राइट। अगर आप मॉनिटरिंग में हो तो आपको पता है मॉनिटरिंग टूल में क्या करता हूँ, मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, सर्वर मॉनिटरिंग देखता हूँ, अपनी एप्लीकेशन मॉनिटर कर रहा हूँ, लॉक्स चेक कर रहा हूँ, तो आपको मॉनिटरिंग का पता है, देख, राइट। मान के चलो आप क्या कर रहे हो, आज अप्लाई कर रहे हो कंपनी के अंदर, तो मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां IT की, कोई भी कंपनी में आप जॉब चाहते हो, बस लग जाए मेरी जॉब। तो मार्केट में आप अकेले नहीं हो, और भी लोग हैं, ये भी अप्लाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, नॉन IT से जो वर्किंग वाला है, ये इसको अच्छा नॉलेज है, इसको नहीं है, ये सिविल से है, ये है, सब अप्लाई कर रहे हैं, किसका सिलेक्शन होगा, सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इनमें से सिलेक्शन उन्हीं उसी का होगा जिसके पास बंच ऑफ नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, ठीक है। सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। अगर आप बोल रहे हैं सर आई एम सर्टिफाइड, तो आप लोगों के पास BTech की डिग्री है, MTech है, BTech है, MBA है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप BTech हो, ग्रेजुएशन है आपके पास, तो आपके पास सिर्फ नॉलेज चाहिए इन टूल्स का। तो अब किसको कंपनी जॉब देगी, मान के चलो एक बंदा है जिसको सिर्फ लिनक्स आता है और वो जॉब अप्लाई कर रहा है डेवऑप्स में, कंपनी जॉब देगी। अगर उसके जगह होगी कंपनी के अंदर, हाँ मुझे लिनक्स वाला ही चाहिए, तो जॉब देगी। दूसरा बंदा जो अप्लाई कर रहा है, जिसको लिनक्स भी आता है, उसको AWS भी आता है, उसको सेल स्क्रिप्टिंग भी आती है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कंपनी किसको रखेगी जिसको 3 से ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है। ऐसे ही मार्केट में और भी बंदे बैठे हैं जिनको डॉकर भी आता है, उनको क्यूबरनेटिस भी आता है, उनको एंसिबल भी आता है, उनको जेंकिंस भी आता है, कंपनी किसको रखेगी जिसको नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा है, ठीक है। तो ये टूल आपको सीखना होगा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ो, पूरा भी पढ़ो, पता होना चाहिए कि ये टूल्स यूज कहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आपने इन दोनों टूल्स में ये स्टार्टिंग के अच्छे से पकड़ रख ली, तो आप 3 साल एक्सपीरियंस बना के कंपनी में जा सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आज कंपनी में बैठे हुए हैं, है ना, 13-13 LPA का पैकेज लेके बैठे हैं, और वो भी नॉन IT वाले, ठीक है। तो जब ऐसा हो सकता है तो आप लोग भी ले सकते हो, बस आपको सीखना है। और सीखोगे कैसे, यहीं से सीखोगे। पहले आपको समझना है कि एक्चुअल में कंपनी में ये टूल यूज कहाँ पे हो रहा है। तो डेवॉप्स है क्या, डेवॉप्स एक प्रोफाइल है, एक नाम है। जैसे आप IAS की तैयारी करते हो, लेकिन उसके लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको इसमें जॉब लेना है आज IT इंडस्ट्री में, ये टूल्स का नॉलेज चाहिए। लेकिन बोलोगे सर तो मैं तो, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है कंपनी के अंदर, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। पहले चीजें होती थी मैनुअल, पहले आपको कंपनी में जाके काम करके सीखना पड़ता था, आज नहीं, आप यहीं पे बैठ के, घर में बैठ के नेट कनेक्ट है, आप सीख लोगे, जॉब भी ले लोगे, ठीक है। तो अब मैं अगला एक रोड मैप बता रहा हूँ, अभी तो मैंने ये टूल्स लिखा कंपनी के अंदर,
ठीक है, ये टूल्स यूज होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताऊंगा जो कंपनी में एक्चुअल में उसी डायग्राम में काम होता है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आप किस किस प्रोफाइल में जा सकते हो, ठीक है। अगर ये पूरी पाइपलाइन समझ जाओगे तो ये जो टूल लिखे है ना मैंने, तो ये आप ऐसे ही खेल जाओगे, ऐसे ही सीख जाओगे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पहले इनको पता होना चाहिए ना कि इनको लगाना कहाँ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए घर में कोई भी बोल्ट आप लगा रहे हो, अगर आपको पता है उस बोल्ट में कि ये इसका साइज क्या है, इसको लगाना कहाँ पे, आपने एक बार लगाया, दो बार लगाया, तीन बार लगाया, चौथी बार आपको पता है कि यहाँ पे ये लगेगा, वो होता है आपका एक्सपीरियंस, वो होता है नॉलेज, ठीक है। अब ये टूल्स है होंगे कहाँ पे यूज, कंपनी कहाँ पे किनको कैसे यूज करेगी, ये मैं आपको एक रोड मैप पे बताता हूँ। और कोई भी आईटी की कंपनी आज बैठी है, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, एक्सेंचर हो, कोई भी क्लाउड यूज कर रही होगी, कंपनी यही प्रोजेक्ट में काम कर रही होगी, ठीक है। अब समझो कंपनी कैसे काम कर रही है डेवॉप्स के प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक डेवॉप्स का प्रोजेक्ट, जस्ट डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम को समझो, फिर डायग्राम के बेस में आप समझ जाओगे कि कैसे कंपनी को यूज कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रोड डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी हो आज आईटी की, कंपनी में क्या होंगे, डेवलपर होंगे, राइट। एक डेवलपर ये है, डेवलपर मतलब क्या होता है, कोड लिखता है। जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं ना, तो व्हाट्सएप को किसी ना किसी डेवलपर ने लिखा होगा, कोडिंग की होगी, राइट। तो कंपनी में बनाया जाता है, बैठाया जाता है, हायर किया जाता है डेवलपर को कि आप कोड लिखिए, किसका, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जाइए गूगल में और आप सर्च करिए क्या, IRCTC। तो हम IRCTC जा रहे हैं, तो ये चल रही है एप्लीकेशन कहीं ना कहीं, आप टिकट बुक कर रहे हो, इंडिया में करोड़ों यूजर आप एक दिन में जाते हैं, टिकट बुक करते हैं। अगर मान के चलो ये वेबसाइट एक दिन के लिए बंद होती है, तो करोड़ों रुपए का इंडियन गवर्नमेंट को लॉस है, सिंपल सी बात है। तो जब इंडिया गवर्नमेंट को लॉस होगा, जैसे कोविड में लॉस हुआ था, फिर टिकट का फेयर बढ़ा दिया गया था, फ्लाइट का फेयर बढ़ा दिया गया था, क्यों, क्योंकि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को लॉस हो रहा है। जब कंपनी को लॉस होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो जैसे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट कहाँ चल रही होगी, IRCTC के डेटा सेंटर में, या तो IRCTC वाला जो रेलवे वाला खुद बना के रखा हो, या तो IRCTC ने TCS को या विप्रो को या एसेंचर को या किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा कि आप चलाइए, हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा, और ये कोई कंपनी कर रही होगी, या TCS हो, एसेंचर हो, कॉन्टिनेंटल हो, कोई भी IT की कंपनी कर रही होगी, वो इसको यूज़ कर रही होगी, मतलब उसके वेबसाइट को होस्ट की होगी, राइट। तो इसमें जो आप चीजें देख रहे हो, ये क्या, बुक टिकट सपोर्ट हेल्प, ये जो पेजेस आ रहा है, ये लोगो दिखाई दे रहा है, ये रेलवे दिख रही है, ट्रेन जो दिख रही है, ये कहाँ से दिख रही है। कल को पीएम मोदी नया रेलवे कुछ है ना एक्सप्रेस वे लॉन्च कर देगा, तो उसकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी, तो कौन यहाँ पे, हम फोटो थोड़ी कॉपी पेस्ट करेंगे, नहीं, वो डेवलपर बैकएंड में कोड लिख के रखता है, चाहे वो नोड JS में हो, चाहे पाइथन डेवलपर हो, चाहे सी में हो, चाहे HTML में हो, तो कंपनी डेवलपर रखती है अपने कंपनी के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मान के चलिए डेवलपर्स हैं, डेवलपर वन हो गया, डेवलपर टू हो गया, डेवलपर थ्री हो गया, डेवलपर फोर हो गया, चारों डेवलपर अपना काम कर रहे हैं, राइट। अब इनका काम क्या है, सिर्फ ये कोड लिखेंगे, कोडिंग, ठीक है। आप बोलते हैं सर कोडिंग चाहिए, तो ये डेवलपर का काम है कोड करना, चाहे ये कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा हो, नोड JS हो, इनका काम है कोड लिखना, ठीक है। किसके लिए, IRCTC वेबसाइट के लिए लोग कोड लिख रहे हैं। अब इन्होंने कोड लिखा, तो 10 साल पहले जाओगे तो पहले डेवलपर कोड लिख के टेस्टर होता था, मैनुअल टेस्टर, आज भी है, तो पहले इसको टेस्ट किया जाता था, टेस्ट करने के बाद देखा जाता था कि इस कोड में कोई बग है, कोई एरर है, बग मिलता था तो उसको फिर दोबारा से रिपीट किया जाता, फिर से चलाया जाता था, राइट। आज 2024 में हम लोग, जो डेवलपर कोड लिखता था, आज बैकएंड में ChatGPT से मांग लो, वो वही कोड दे देता है, A to Z कॉपी पेस्ट। तो डेवलपर की नौकरी बची, वो भी दिक्कत में आ गए, तो आज डेवलपर भी बोलेगा सर मुझे DevOps सीखना है, समझे, समझ में आ रही बात, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज हो रही है ना, हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा। तो कंपनी डेवलपर रखी, इनका काम है सिर्फ कोड लिखना, तो कंपनी में दो डेवलपर होते हैं, या तो फ्रंट एंड हो या बैक एंड डेवलपर हो, इनका काम है कोड लिखना। कोड लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, कंपनी यूज कर रही है एक टूल जो मैंने अभी लिखा था, उस टूल का नाम है ये वर्जन कंट्रोल, गिटहब या Circle CI। तो कंपनी क्या बोल रही है कि काम करो, डेवलपर जो काम कर रहे हैं उनके लिए काम करो, एक वर्जन कंट्रोल यूज करो, तो हमने गिटहब यूज किया। तो गिटहब मतलब क्या हुआ, मान के चलो इस डेवलपर वन ने रात में 1 बजे कोई कोड लिख के यहाँ पे रख देता है और 10 दिन के लिए छुट्टी में चला जाता है, कल को दूसरा डेवलपर है, उसको भी कोई चेंजेस करना है, कुछ भी डिप्लॉय करना है, तो क्या इसको फोन करेगा, फोन नहीं करेगा, ये आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी, इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
जब आप गिट पढ़ोगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अच्छा सर ने गिट बताया तो गिट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे किया जाता है कि डेवलपर ने कोई कोड लिखा, कोड लिख के पुश मारा गिटहब में, ये कोड पड़ा हुआ है। मान के चलो इस फाइल का नाम है AWS, इस नाम की फाइल पड़ी है, इसमें डेवलपर ए ने कोई चेंजेस किया है, कमिट करके पुश मारा है। कल को इंस्ट्रक्शन आया टीम का कि हमारी जो IRCTC की वेबसाइट है, इसमें जो ट्रेन है इसकी जगह हटा के हमें सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाली ट्रेन यहाँ पे डालनी है। तो डेवलपर क्या करेगा, ये जो कोड पड़ी होगी उस कोड को दोबारा से चेंजेस करेगा। तो अब इस कोड को कैसे लेगा, तो गिटहब में पूरा चीजें पढ़ोगे, कमिट करना, पुश करना। अभी ये दूसरा डेवलपर है, USA में बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से कनेक्ट करके पुल मार लेगा अपने सिस्टम में, पुल करके अपने लोकल रेपोजिटरी के अंदर देख लेगा, मतलब गिटहब इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपका कनेक्ट होगा सर्वर, और यहाँ से कनेक्ट करके देख लेगा इसमें ये कोडेड की कोड चेंज किया है, चेंज करके फिर ये दोबारा से पुश मार देगा। कल को ये भी चला जाता है, तीसरा डेवलपर बैठा है तो तीसरा डेवलपर भी यही काम करेगा। मतलब सारे डेवलपर एक ही वर्जन कंट्रोल में काम करें, इनका काम है कोड को मॉडिफाई करना, चेंज करना, डिप्लॉय करना, ये डेवलपर का काम है कंपनी के अंदर, दैट्स इट। डेवलपर ने काम किया, काम इनका होता है खत्म, राइट। अगर इनके पास टेस्टिंग का नॉलेज है तो टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आज कंपनी के अंदर ऑटोमेशन के लिए एक टेस्टिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक काम हुआ डेवलपर का। अब ये जो कोड है, ये जो IRCTC का कोड है, कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे होस्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए हर एप्लीकेशन किसी ना किसी सर्वर में चल रही होगी, राइट। तो आज कंपनी, देखो TCS है, TCS 2015 में ना अपने फिजिकल डेटा सेंटर में सब कुछ रखती थी, फिजिकल डेटा सेंटर में अपने घर के अंदर, उसके घर में बिल्डिंग में भूकंप आ गया, पूरी बिल्डिंग भसक गई, तो क्या हुआ, तो पूरा डेटा लॉस हुआ। तो ऐसे केस में कंपनी चाहेगी ना कुछ क्लाउड यूज करूँ। तो क्लाउड आने से क्या हुआ, जब आप AWS पढ़ोगे तो AWS में आपको और डीपली बताऊंगा कि क्लाउड आने का मकसद क्या है। अभी हम समझते हैं कि कंपनी यूज कहाँ पे कर रही है। तो कंपनी क्या बोल रही है, हम एक क्लाउड यूज कर रहे हैं, मान के चलो AWS क्लाउड। तो ये रहा AWS क्लाउड। AWS क्लाउड में एक सर्वर होता है, सर्वर मतलब आप EC2 को लॉन्च करोगे, राइट, मशीन को लॉन्च करोगे, जैसे कि मेरे पास लॉगिन अकाउंट, मैं आपको सॉरी डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक सर्वर चल रहा होगा, उस सर्वर में आपको क्या करना है, जो डेवलपर ने कोड यहाँ पे रख दिया है गिटहब में, इसको लेके जाना है इस सर्वर तक, अभी मैं इसको नाम दे रहा हूँ EC2, यहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ तक ले जाने के लिए दो तरीका है, या तो आप एक एक करके मैनुअल लेके जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे ही डायरेक्टली होस्ट मार देगी, तो सिक्योरिटी कहाँ हुआ, ऑटोमेशन कहाँ हुआ। इसके लिए कंपनी आज बोलती है मुझे ना डेवॉप्स वाला बंदा चाहिए, जिसको जेंकिंस का नॉलेज हो, पाइथन का नॉलेज हो, एंसिबल का हो, डॉकर का हो। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने इस प्रोजेक्ट में एक जेंकिंस टूल को यूज कर रही है, तो जेंकिंस वाला बंदा चाहिए। कंपनी बोलती है कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो एंसिबल टूल को यूज़ कर रही है, तो एंसिबल वाला बंदा चाहिए। कंपनी बोल रही है हम एक सोनार क्यू बग टूल यूज़ कर रहे हैं, वो वाला भी बंदा चाहिए, राइट। एक मिनट, तो कंपनी क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना, कंपनी बोल रही है एक जेंकिंस टूल यूज करिए, तो कंपनी यहाँ पे जेंकिंस यूज कर रही है। कंपनी बोल रही है मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन वाला बंदा चाहिए, जिसको एंसिबल का तगड़ा नॉलेज हो, तो एंसिबल वाला बंदा चाहिए। फिर कंपनी क्या बोलती है, अगर डेवलपर ने कोड लिखा तो मुझे टेस्टर, मैनुअल टेस्टर नहीं चाहिए, जो बंदा सोनार क्यू, अब सोनार क्यू क्या है, एक टूल है आपका जो आपको बग बता देगा कि आपके इस कोड में क्या प्रॉब्लम है। तो कंपनी बोल रही है ऑटोमेशन यूज करे तो इस टूल को यूज कर लूँ। अगर कंपनी ने डॉकर यूज किया, मैंने एक टूल लिखा है डॉकर, डॉकर मतलब क्या होगा, आपको एक कंटेनर में इमेज बनानी है, कंटेनर से डिप्लॉयमेंट करना है सर्वर के अंदर, तो अगर आप डॉकर यूज करोगे तो डॉकर हब भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी क्या बोल रही है, आप इन टूल्स को यूज करिए। अभी मैंने यहाँ पे जस्ट टूल्स यूज हो रही है कंपनी के अंदर, कहाँ पे, प्रोडक्शन के अंदर। तो जब ये पूरा टूल यूज होगा तो इस मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अभी इंटरनेट गया है। हाँ हाँ आ रही है इसका। चलो ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे शो किया इंटरनेट इश्यू, तो इसलिए मैं स्टॉप हुआ। चलो
तो कंपनी क्या बोल रही है कि हमें इस टूल्स का नॉलेज चाहिए। तो जब आप ये टूल यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, तो आप ये सारे टूल्स को लोगे और आपस में इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा, आपको पहले पता होना चाहिए लिनिक्स, राइट? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपका लिनिक्स स्ट्रांग है। जब लिनिक्स पढ़ लिया होगा आपने, तो ये जो आप कम्युनिकेशन इस इंटीग्रेटेड करोगे ना, इंटीग्रेट, तो लिनिक्स में होता है SSH, एक टॉपिक होता है SSH। तो SSH के थ्रू आप इसमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश करोगे। जब आप कनेक्शन बनाओगे, चेक करोगे मैनुअली कि हाँ मेरा कनेक्शन बन गया है, यहाँ से कोड जब रात में डेवलपर रात को 1 बजे कमिट करके पुश मारता है कोड में, यही कोड आपका इस सर्वर में रात को 1 बजे तुरंत डिप्लॉय होना चाहिए। इसी को बोला जाता है पाइपलाइन। तो इसमें ये जो पाइपलाइन है, इसको बोला जाता है कंपनी के अंदर CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी। ठीक है, जैसे आज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही, किसी ना किसी थर्मल इंडस्ट्री से आ रही होगी। जब वो चल रही है तभी आ रही है, अगर वो बंद हुआ तो बिजली नहीं आएगी, अंधेरे में बैठेंगे। तो जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली रन हो रही है किसी ना किसी सर्वर में, और इस सर्वर को चला रहा है वो कोई ना कोई IT की कंपनी होगी। बैकएंड में उसने यही इंफ्रा बनाया होगा, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये टूल्स आज यूज हो रहा है कंपनी के अंदर। तो इस टूल्स में जिसको नॉलेज है वो जाके खेल जाएगा कंपनी के अंदर, राइट? तो इसको बोला जाता है CI/CD पाइपलाइन। तो कंपनी के अंदर ध्यान से सुनना, या तो आप किसी स्टार्टअप कंपनी में जा रहे हो, राइट? मान के चलो किसी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आ गया, TCS के पास। तो जब TCS के पास प्रोजेक्ट आएगा तो पूरा इंफ्रा बनाएगी। तो इंफ्रा ऐसे ही बनाया जाएगा, पूरा सर्वर लोगे, टूल लोगे। अगर कंपनी AWS क्लाउड यूज कर रही है, तो AWS क्लाउड में सारी चीजें आप डिप्लॉय करोगे, AWS क्लाउड में इंफ्रा सेटअप करोगे। ठीक है, तो वो सारा चीजें आप जब AWS में आओगे तो सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने इन टूल्स का यूज बता दिया कहाँ कहाँ पे होगा। तो एंसिबल किस लिए यूज हो रहा है? ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, ऑटोमेशन, कोड अपने आप चला जाए, आपको मैनुअल डेवलपर नहीं लेके जाना कि वो कोड लेके जाए वहां पर डिप्लॉय करे। ये जो पूरा कन्फिग्रेशन कर रहा है कौन करेगा? ये करेगा डेवऑप्स इंजीनियर। इसलिए उसको बोला जाता है डेवऑप्स इंजीनियर। आपको आती है ये सारी टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी आती है, आप हो डेवऑप्स इंजीनियर। ये आपका काम है इंफ्रा बना के सेटअप करना, डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर यही काम करेगा। अब जब आपने इंफ्रा बना लिया, तो इंफ्रा बनाने के बाद काम नहीं होता है, इतना काम नहीं होगा। अब इंफ्रा हो गया, मान के चलो ये प्रोजेक्ट था TCS के पास, और किसका प्रोजेक्ट था TCS के पास? मान के चलो ये था IRCTC का। तो IRCTC ने जब हायरिंग की होगी, 50 बंदे को हायर किया होगा, मान के चलो आप सभी की जॉब लग जाती है कहाँ पे? इस TCS में, IRCTC प्रोजेक्ट में। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंपनी में? क्या आप रोज ऐसे प्रोजेक्ट बनाओगे? नहीं, प्रोजेक्ट एक बार बनेगा। जब एक बार प्रोजेक्ट बन गया, अब इसके अंदर आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब दे दिया जाएगा। जैसे किसी ने बोला सर मैं सिस्टम एडमिन हूँ, अब वो कर क्या रहे होंगे सिस्टम एडमिन में? इसी पाइपलाइन में पूरा एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर में काम करना, कोई आया यूजर बनाना, उसको परमिशन असाइन करना, कोई सिक्योरिटी है उसको चेक करना। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? एक लिनक्स एडमिन या सिस्टम एडमिन का बंदा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही कंपनी एक दो को और हायर करी होगी, जिसने बोला सर मैं TCS में काम कर रहा हूँ, तो TCS वाला कर क्या रहा होगा? TCS का अपना खुद का एक इन्वायरमेंट होगा, उसमें वो एक टूल यूज कर रहे होंगे जिसका नाम होगा मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, कंपनी कोई सा भी कर सकती है, चाहे प्रोमिथस हो, ग्राफाना हो, AWS क्लाउड वॉच हो, नागियोस हो, जेबिक्स हो, डेटा डॉग हो, कोई भी हो। अभी जिन्होंने वो बताया TCS में, उनका भी एक मॉनिटरिंग टूल होगा। तो वो कर क्या रहे हैं कंपनी में? मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसके अंदर? TCS के अंदर। उनका पैकेज होगा मान को 6 LPA, तो 6 LPA सुबह शाम, सुबह आना शाम को चाय पी के चले जाना। सिर्फ किस चीज का नॉलेज है? उसके पास मॉनिटरिंग का बढ़िया सा नॉलेज है, लेकिन और भी टूल्स की बात करें तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंपनी और भी लोगों को हायर करेगी, सिस्टम एडमिन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो दैट आप समझो। एक सिस्टम एडमिन का बंदा है वो काम कर रहा है, एक मॉनिटरिंग का बंदा है वो काम कर रहा है यहाँ पे। और भी कंपनी हायर करे जिसको सिक्योरिटी में तगड़ा नॉलेज होगा, तो कंपनी बोलती है सिक्योरिटी वाले बंदे को भी बैठाओ यहाँ पे। किसकी सिक्योरिटी? इस कंप्लीट इंफ्रा की सिक्योरिटी। कोई हैकर ना अटैक कर पाए, डीडॉस अटैक हो, उससे बचने के लिए क्या करना है? तो आप सिक्योरिटी वाले बंदे को हायर करो। ठीक है, बाकी इंफ्रा की सिक्योरिटी आप पहले से लगा के रखोगे, लेकिन उसकी देख रेख के लिए एक बंदा तो रहेगा ना, कि सिक्योरिटी में कोई डीडॉस अटैक आया, कोई थ्रेट आया, कोई वल्नरेबिलिटी आया, तो कैसे पता करोगे? तो आपको एक प्रोफाइल मिलेगी यहाँ पे, जो AWS में हब में काम करता है, सिक्योरिटी हब के ऊपर। जब आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आप डीपली भी देखोगे, लैब भी करोगे, तो समझ में आएगा।
कंपनी क्या बोलती है, पूरा इंफ्रा बनाए, इसका कॉस्ट भी आता होगा, तो कॉस्ट के लिए कंपनी बोले एक काम करो, बिलिंग टीम को हायर करो, राइट? तो कंपनी ने बिलिंग टीम को हायर किया, तो यहाँ पे बिलिंग की भी टीम बैठी हुई है, राइट? तो मल्टीपल्स टीम काम कर रही है यहाँ पे, डेवॉप्स इंजीनियर, डेवॉप्स इंजीनियर भी यहाँ पे बैठ के देख रहे होंगे, राइट? कि इन्होंने जो बनाया, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बग आया, कोई इशू आया, कई कई बार कुछ पाइपलाइन में इशू आ गए थे, यहाँ पे किसी ने बोला सर मैं स्क्रिप्टिंग में हूँ, तो स्क्रिप्टिंग में स्क्रिप्ट चला दो आप, पाइथन स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग, सारा कुछ ऑटोमेट रहता है। तो आज कंपनी के अंदर ये सारे लोग बैठे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, राइट? ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो सबको बोल देंगे सॉरी आप अपनी नौकरी देख लीजिए, राइट? प्रोजेक्ट नहीं है तो, अभी एक बंदा है 1.5 साल उसने काम किया, बोला सर कल मेरा लास्ट है, बोला क्यों? बोला सर प्रोजेक्ट नहीं है, बोला प्रोजेक्ट नहीं है तो होना चाहिए, अच्छा काम किया तुमने, बोला सर प्रोजेक्ट नहीं, बोल दिया बाबा बाबा टाटा, क्यों? कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं होगा। तगड़ा नॉलेज है आपके पास, कंपनी आपको कभी नहीं निकालेगी, ठीक है? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, अगर आपको एक दो टूल में नॉलेज है तो डेफिनेटली बैकएंड में जो बैठा होगा उसको पास अच्छा नॉलेज होगा, राइट? तो ये होता है एक्चुअल में कंपनी के अंदर। तो इंफ्रा बनाओगे, इंफ्रा की अलग टीम होती है, डेवॉप्स की अलग टीम होती है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो डेवॉप्स इंजीनियर है, नाम तो डेवॉप्स इंजीनियर है, राइट? आपको डेवॉप्स इंजीनियर नाम दे दिया जाएगा, हो सकता है कल को आपको टीसीएस वाला डेवॉप्स इंजीनियर प्रोफाइल देगा और आपको मॉनिटरिंग करा रहा है, तो क्या आप मॉनिटरिंग का बस सीखोगे? नहीं, आपको पूरा सीखना पड़ेगा, राइट? तो जब आप पूरा सीखोगे तो आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, उस प्रोफाइल के हिसाब से आपको कंपनी 6 लाख, आर्टिस्ट फ्रेशर हो 6 लाख, 2 साल एक्सपीरियंस है 10 लाख, 4 साल एक्सपीरियंस है 18 लाख, 4 से ऊपर है एक्सपीरियंस अच्छा है, तगड़ा नॉलेज है, 22, 23, 25, 26, 36, 36 लोग 22 की उम्र में, है ना, 28, 28 का पैकेज लेके बैठे हैं और ले रहे हैं, ठीक है? उनके पास नॉलेज है, तगड़ा नॉलेज है, तो बैठे हुए कंपनी में करते कुछ नहीं, सब कुछ ऑटोमेट है, इंफ्रा में बैठे हुए हैं, स्क्रिप्टिंग आती है तो स्क्रिप्टिंग में एक्सपर्ट है, बिलिंग को मैनेज कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा है, ये आपकी एक प्रोफाइल होगी कंपनी। ये बंदा था जो टीसीएस में काम कर रहा है, छोड़ के चला गया, उसको एसेंचर दे दिया, ये 6 लाख का पैकेज, इसको 12 मिल गया, तो 12 में जाएगा ना, तो 12 लाख के पैकेज में जाएगा, ठीक है? तो ऐसे कंपनी के अंदर काम होता है, इसको बोला जाता है कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन, राइट? तो ये था आपका कंप्लीट ओवरव्यू एज अ डेवॉप्स इंजीनियर। अब आपके माइंड में किसी का कोई क्वेश्चन होता है पूछो, बाकी आप जो भी टूल लिखा है मैंने इसको एक एक करके पढ़ोगे, पहले लिनक्स पढ़ोगे, फिर AWS पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे करके जब पूरा पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद आप लास्ट में एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट बनाओगे, जो मैंने लास्ट में डायग्राम बनाया था, उस प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद अपनी CV अपडेट मारिए, अपने गैप में जो भी गैप है 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगर नॉलेज तगड़ा है उसको यूटिलाइज करिए गैप में, सर आई हैव नॉलेज इन डेवऑप्स, पूछेगा वो टूल्स लिखिए, सिलेक्शन कंपनी ले जाएगी, ठीक है? डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज तगड़ा है, कंपनी आपको देगी, सैलरी भी मांगोगे तो सैलरी भी देगी तगड़ा, ठीक है? यही था एक डेवॉप्स का रोड मैप। आप किसी का कोई डाउट है, पर्सनल कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बता। सर इतना सारा मतलब कितना महीने में कंप्लीट करना है, मतलब कोर्स कितने टाइम का है सर? ये होगा आपका सर 4 महीने, 3.5 to 4 month, 4 month ले लीजिए, 4 month में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सर ये जो आप इतने सारे जो बोल रहे, मतलब जो लिनक्स AWS जो टूल्स है, तो इन 4 महीने में सब कंप्लीट हो सकता है सर? बिल्कुल इज इट बिल्कुल सर। पॉसिबल? अब ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, 4 महीने में हो सकता है। अब आप ये बताइए, आप जॉब लेना चाहते हो या सिर्फ स्टडी करके अपने पास रखना चाहते हो? ऑफकोर्स जॉब लेना चाहते हैं सर। राइट, तो काम आपको उतना ही पढ़ना है जितना कंपनी में काम आता है, राइट? अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं आपको वही बोलूंगा ना, आप इतना इतना पढ़िए, बाकी क्यों पढ़ रहे हो? जैसे लिनक्स में एक कमांड है, जैसे कि LS कमांड है, तो LS कमांड पढ़ोगे तो इसकी बुक मिल जाएगी, उस बुक का आप क्या करोगे, कोई काम थोड़ी आएगा। लेकिन कंपनी में आप बैठोगे तो LS की सिर्फ 3 से 4 कमांड चलती है, LS हो गया, L. हो गया, LS LL हो गया, ये 3 ही कमांड डेली बेसिस पे चलती है, लेकिन आप देखोगे तो पूरी बुक है इसकी, तो आप उतना मत पढ़ो, ठीक है? तो आपका एजेंडा होना चाहिए हाउ आई कैन लर्न एंड स्विच द जॉब, और ये सारा कोर्स 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, कभी मान के चलो हमारा जैसे कि कुछ इशू आ गया, जैसे कनेक्टिविटी आज इशू आ रही थी, कभी हॉलीडे हो गया, तो मान के चलो एक्सटेंड हो के 4.5 इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप पूरे टूल्स पढ़ लोगे उसके बाद एक प्रोजेक्ट्स बनाओगे, एक से दो प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होगा मेन खेल रहेगा उस प्रोजेक्ट में, राइट, उस प्रोजेक्ट के भी आप में आपकी जॉब। तो सर इसमें कोडिंग वगैरह का कुछ मतलब कोडिंग 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 प्रॉपर कोडिंग नॉलेज कोडिंग होना चाहिए सर। नहीं, नहीं भी नॉलेज छोड़ दो आप, कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब कुछ प्रॉब्लम आएगा जब हम जॉब करेंगे तो उसमें कोडिंग का पार्ट मतलब वो देखेंगे तो कंपनी में तो कोडिंग वाला वो बोलेंगे कि कोडिंग नहीं आ रहा है इसको, तो कुछ कोडिंग नहीं आ रहा दिक्कत तो नहीं है क्या सर? दिक्कत है आपको? मान मतलब के चलो कोडिंग का कुछ पार्ट नहीं है सर उसमें? कोई पार्ट नहीं, कोडिंग आपको तब लगेगी जब ऑटोमेशन किया जाएगा, जब आप एआई में आओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो आने की टेक्नोलॉजी। जब आप पाइथन करोगे ना उसमें तो कुछ कोडिंग चीजें होंगी, एंसिबल है उसमें भी थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। आज क्या है ना, कोड आपको बना हुआ मिलता है, ठीक है, उनको मॉडिफाई करना है, कोड ना ही रटना है ना ही लिखना है ना ही याद करना है। जो ये टूल्स है ना इनको आपको समझना है, ना ही इसकी कमांड्स को याद करना है, कुछ नहीं करना है। सब कुछ कंपनी में आप रहोगे तो डेस्क के सामने लिखा रहता है सब कुछ, बस आपको पता होना चाहिए कब मुझे कौन सी कमांड चलानी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये बहुत इजी भी है और टफ भी है। टफ क्यों है? क्योंकि अगर आप सीखोगे स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने बोला अगर आपने अपना फाउंडेशन लिनिक्स इसको स्ट्रांग कर लेते हो, पूरा टूल टिका है ना इस लिनिक्स के ऊपर, इसमें इसको तगड़े से सीख लिया आपने, तो AWS, क्लाउड, डॉकर, एंसिबल सब ऐसे ही सीख जाओगे, पूरा कमांड लाइन, ठीक है, CLI। सेफ सेफ भी यूज होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर कोड में, क्या बोल रहे हैं? सेफ टूल्स आवाज ब्रेक हुआ, चैट पे लिख दो। सेफ टूल्स हाँ, क्या बोल रहे? सेम टूल, सेफ 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 क्लाइंट। चैट में लिखे आप सर, आवाज ब्रेक हो गया। स्टेप और किस क्लाइंट्स CLI बोलते, क्लाइंट नहीं बोलते, कमांड लाइन इंटरफेस को CLI बोलते, कमांड लाइन इंटरफेस। जब आप पढ़ोगे तो फ्रेशर हाँ हाँ पूछिए। सर फ्रेशर फ्रेशर्स के लिए जॉब ओपनिंग्स है अभी? के लिए है, क्यों नहीं है? देखो दो टाइप के मार्केट में फ्रेशर हैं, जो अपने आप को बोलते हैं सर आई एम फ्रेशर। अब देखो 2020 में एक बंदा पास आउट है, राइट, अगर वो अपने आप को फ्रेशर बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता उसको फ्रेशर बोलना चाहिए। 2023 में जो बंदा है वो बोल सकता है, या फिर 24 में जो पास आउट हो रहा है वो फ्रेशर है, लेकिन जो 2020 में पास आउट हुआ उसको फ्रेशर नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए आई हैव एक्सपीरियंस इन AWS। पूरा डेवॉप्स मत लिखो, एटलीस्ट AWS लिख लो। जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो अपनी प्रोफाइल को चेंज करना है, नॉन आईटी में कर रहे हो तो नॉन आईटी को कन्वर्ट करो, आई एम वर्किंग दिस XYZ, उसको कन्वर्ट करो, वो आपका सिलेक्शन किया जाएगा नॉलेज के बेस में। सर मैं अभी 2023 में पास आउट हूँ अभी अच्छा। मैंने। हाँ अगस्त में रिजल्ट आया है मेरा। तो बढ़िया सर, अगर आप 23 में पास आउट हो अगस्त में, उसके बाद बाकी आपने क्या किया? आप बोल रहे हो मैंने डेवॉप्स सीखा, ठीक है, डेवॉप्स में अच्छे से किसी टूल में पकड़ हो गई, किसी कंपनी ने वैकेंसी निकाली, मुझे AWS में क्लाउड इंजीनियर चाहिए, तो अगर आपकी जॉब लग जाती तगड़ा है, 7 लाख पैकेज ऐसे ही मिलेगा बैठ के, भले कंपनी में मॉनिटरिंग करो। जब एक बार टैग लग गया ना, जब 2 साल बाद छोड़ोगे किसी भी कंपनी को, स्विच करोगे, ऐसे नहीं कि आप वो मॉनिटरिंग आ रहा हो स्विच कर लोगे, नहीं कर पाओगे। जब तक आपके पास डेवॉप्स का नॉलेज नहीं है, टूल्स पे नॉलेज है, जब स्विच करोगे का 7 मिल रहा है तो 17 मांगोगे 17 मिल जाएगा, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। बस टिक जाओ 1 साल 2 साल कंपनी में, स्विच मारो, बढ़िया पैकेज। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप फ्रेशर हो तो भी करो, कैरियर में गैप है तो भी, IT में वर्किंग हो तो भी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 45 ईयर, 60 60 ईयर लोग बैठे हुए हैं USA में, वो सारे लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो आप यंग हो तो आप सही जगह ट्रैक पे हो अभी, ठीक है। अभी ऐसे वर्किंग है जिन्हें नहीं पता ये क्या है, उनके कंपनी में पूरी सिस्टम एडमिन वाली काम हो रहे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन बोलते हैं सर मेरा ना सर 13 साल हो गया और मेरा पैकेज सर
8 LPA का है और एक मेरा फ्रेंड है उसका सर 28 LPA का है, तो उसको कितना रिग्रेट लगता होगा सोचो, है ना, क्योंकि उसने सीखा होगा कहीं ना कहीं, अपग्रेड किया होगा अपने आप। तो अगर आप IT में हो, TCS जैसे ब्रांड पे बैठे हो, तो जॉब मत छोड़ो, करते रहो, साइड से सीखते रहो। सीखने के बाद जब स्विच मारोगे TCS का टैग लेके एसेंचर में, तो जो पैकेज जाएगा ना, तो डबल में जाओगे उसके, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नॉलेज, तो कोई भी चलेगा आपका, कोई भी प्रोफाइल हो, किसी का भी, कुछ भी, नॉन ITS हो, मैकेनिकल सिविल, लर्निंग करना है आपको। और सर सर आप जो अभी पूछिए, सर पूछिए पूछिए। सर आप अभी जॉब करते हो क्या हाँ कंपनी में? ओके मैं हूँ, वर्किंग हूँ, मेरा प्रोफाइल है सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। ओके, आपका क्या, आपका काम क्या रहता है अभी? मेरा काम क्या रहता है, ये जो मैंने टूल्स लिखा है ना, इसमें और भी टूल्स हैं, मावेन है, पपेट है, सैफ है, उसको भी हम इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बताया हमारे कंपनी में, मैंने 3 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हमारा काम क्या रहता है, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल है, प्रोमेथेस है, ग्राफाना है, राइट। उस मॉनिटरिंग टूल में हमारी डेडिकेटेड टीम बैठ के काम करती है, हम एक डेवऑप्स और सर इंजीनियर। इसमें टूल कौन से कवर हो गए ये कोर्स में? इस कोर्स में आपके पास सिलेबस होगा, आई थिंक इसमें से आई थिंक सारे हो जाएंगे पूरे जो लिखा है इसमें। इसमें ओके, से हो मेवन सकता है भी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग में हो कि ना हो, क्योंकि AWS में आपको ही मिलता है मॉनिटरिंग टूल, ठीक है। बाकी आपको मिल जाएगा पूरा कंटेंट। और मेवन हाँ मावेन भी होना चाहिए, ठीक है। आप मावेन यूज कर लो या एंसिबल यूज कर लो, दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। इन जैसे मैंने टूल लिखा ना, हो सकता है कंपनी एंसिबल की जगह कुछ मावेन को यूज कर रही हो, काम वही रहेगा। प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कंपनी का इंफ्रा क्या है, कंपनी का इन्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, जब प्रोजेक्ट्स आया था हमारे पास स्टार्टिंग में, तो मैंने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, तो अब इसको हमने पूरा एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। तो ये जो सारी प्रोफाइल है, AWS एडमिनिस्ट्रेटर जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, ये उसका काम होता है। तो आपने आर्किटेक्चर बनाया, कंपनी को दिया, उसके हिसाब से पूरा इंफ्रा बनाया एक एक करके, AWS क्लाउड में जाके या एजोर क्लाउड में जाके। उसके बाद आप इंफ्रा बना लेते हो, पूरी सिक्योरिटी अप्लाई करते हो, उसके बाद ये जो टीम बैठी है, ये जो L1 L2 लेवल की बैठी है यहाँ पे, राइट, ये सब काम करते हैं। L1 L2 आजकल ऐसे ही है, सबको सबको मिक्स कर दिया जाता है। बस आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो बेस्ड ऑन नॉलेज आप स्विच कर जाओगे, ठीक है। बाकी जब आप आगे पढ़ोगे ना इन टूल्स के अंदर जा जाके, तब आपको और डीपली समझ में, अच्छा ये जो पाइपलाइन है इसी प्रोजेक्ट में हम ये काम करते हैं। सबके लिए बराबर है, नॉन IT से हो, फ्रेशर हो, सब सबके लिए फ्रेश है, बस आप कितना मेहनत कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। और किसी का क्वेश्चन पूछिए। सर आपका एक्सपीरियंस कितना है इंडस्ट्री मुझे हो गया में? इसमें, इसमें हो गया है 9+ ईयर। पहले मैं 2 साल काम किया था एज अ सिस्टम एडमिन सासन नाम की कंपनी में, उसके बाद मैं लिनक्स में आया, लिनक्स के बाद AWS क्लाउड में स्विच किया। जैसे कंपनी में स्विच किया, कंपनी में टूल्स यूज हो रहे थे, तो उस टूल्स को लर्न किया, आज मैं टूल्स पे खेल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करो, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब के साथ मैं स्टडी के लिए भी टाइम देता हूँ सुबह के 2 घंटे डेली, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है ना, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो डेली स्टडी करना हो तो आपको सीखना है टूल्स पे, टूल्स पे स्टडी करना है, टूल्स पे सीख के कंपनी में जॉब लेना है। और एक बार पहुंच गया IT इंडस्ट्री में, तो जॉब सेटल हो जाएगी, मतलब लाइफ अच्छी हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, राइट, दोनों चीजें रहती। और किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे? कोई जो है? दो साल हाँ साल बोल। का जो कैरियर गैप है उसका, उसको मतलब कैसे मैनेज हो पाएगा सर वो? देखो मेरा एक फ्रेंड था, बताता हूँ मैं आपको, ही इज फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, उसको मैकेनिकल से हटा दिया गया था, उसके बाद वो तैयारी कर रहा था SSC की, तो उसके कैरियर में 4 ईयर का गैप था। 4 ईयर को उसने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड ने उसको एक एक्सपीरियंस लेटर दिया, फेक फेक बनाया XYZ कंपनी का, राइट, स्विच किया उसके बिहाफ में, कंपनी उसने सब दे दिया था,
ऑफर लेटर सारा कुछ, ठीक है। तो उसने एक पैकेज बनाया था, एलपीए मुझे मिलता है, स्विच किया जिस कंपनी में जॉब लिया, 1 साल काम करके फिर वहां से स्विच किया, आज एसेंचर में बैठा हुआ ले रहा है 17 LPA। सर देखो बट आप, एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ हाँ मैं विप्रो में काम करती हूँ, तो विप्रो में वेरिफिकेशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, हाँ तो विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, अगर टेक ऐसे महिंद्रा हो गई, कुछ कंपनियां जो बहुत तगड़ा वेरिफिकेशन करती, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, राइट। अब आपने इस कंपनी का नाम सुना है, बताइए, नहीं। नहीं करेगी, इसके पास स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, जाइए, राइट। ऐसी ऐसे हजारों कंपनी है, बैंगलोर में जाओ, गली गली में, एक एक गली में आपको कंपनी मिलेगी, और उसमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ नहीं पता, बोला व्हाट, सिर्फ मैंने बोला प्रोफाइल क्या, जैसे आप देखोगे कोवर्किंग ऑफिस होता है, राइट। तो मैं बीच बीच में कोवर्किंग ऑफिस होता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ लोग करते क्या। एक बंदा एजोर क्लाउड में बैठा था, बोला सर आपकी प्रोफाइल क्या क्या बोलते, बोला सर अभी भी मैं ज्वाइन किया हूँ, बोला अच्छा, बोला कैसे क्या प्रोफाइल है, बोला सर मैं सिविल में था, मेरा फ्रेंड लगवा दिया, बोला अच्छा, तो बोला क्या कर रहे हैं, तो मुझे पता थी सारी चीजें, फिर मैं बोला अच्छा ओके ओके, आपने इंफ्रा बनाया हुआ, तो उसको अभी केटी दिया जा रहा है, नॉलेज ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि सबको आता है, कंपनी में इंटर हो जाओगे, क्योंकि कंपनी के अंदर जो पुराने एम्प्लॉय है ना, उनको भी नहीं पता ना डेवऑप्स क्या है, वो भी तो सीख ही रहे, तो जो सीखा वो पहुंच गया कंपनी में, तो कोई मतलब नहीं। हाँ बाकी वेरिफिकेशन होता है, मैं नहीं बोलूंगा, जाइए टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा का इंटरव्यू दोगे तो आप बोलोगे सर आई एम वर्किंग एक्स वाई जेड, तो पूछेगा ओके एक्स वाई जेड का आप मुझे ईमेल आईडी कंफर्म करो, तो नहीं है तो आप बोलोगे ना सॉरी आई डोंट हैव, पहले रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है, हजारों कंपनियां हैं, हजारों आज गली गली में, राइट। जुप्पी, आप लूडो खेल रहे हो, जुप्पी भी तो आप बैकएंड में डेवऑप्स को यूज कर रहा है ना, लूडो खेल रहे हैं आप क्रिक हाँ जी क्या सर, बोलते हैं, और भी ना गेमिंग ऐप क्या बोलते हैं, वो नेटफ्लिक्स पे में ही करते हैं ना सर नेटफ्लिक्स हो डेवऑप्स गया, सारी ये सब क्या बैकएंड में, सब डेवऑप्स टूल यूज हो रही है, हॉटस्टार हो गया, तो हॉटस्टार बैकएंड में ही पूरा सेटअप किया होगा, अब हॉटस्टार में जॉब लगेगी, बहुत है दुनिया भर की कंपनी, बस सर? अच्छे पैकेज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन से टूल सर? अच्छे पैकेज के लिए। आप देखो ये तो आना चाहिए, बाकी दो टूल, उसके बाद एक डॉकर, दूसरा क्यूबरनेटिस, तीसरा टेराफॉर्म, और एक और टूल लिखूंगा मैं स्क्रिप्टिंग, एटलीस्ट इसमें बढ़िया सा नॉलेज है ना, कंपनी नहीं निकालेगी, और पैकेज भी अच्छा ले लोगे स्क्रिप्टिंग मतलब लोग। सर वो टाइप स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या देखो होता है देखो। जो काम हम मैनुअल कर रहे हैं, जैसे मैं एक सर्वर बना रहा हूँ, 10 मिनट में एक सर्वर बना रहा हूँ, मैनुअल जाता है, ठीक है, लेकिन कंपनी बोलती नहीं मुझे 10 सेकंड में चाहिए, तो स्क्रिप्टिंग आप चाहिए, स्क्रिप्टिंग लिखो, ठीक है। तो हम स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन हो या सेल स्क्रिप्टिंग हो, अच्छा, ऑटोमेशन में काम आती है बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पाइपलाइन बनाई थी ना, इस पाइपलाइन में जब कोई ट्रबल शूट आता है ना, कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम फेस की है, कुछ एरर आ गया, 505 एरर, अब एरर रिसॉल्व करने में निकल जाती है, हालत निकल जाती है, तो जिसने बढ़िया मैनुअल करके, पहले जब मैनुअल किया कि ये स्टेप थी, ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये स्टेप था, बंदे ने उसका स्क्रिप्ट बना लिया, कल को वही प्रॉब्लम मिला, स्क्रिप्ट चला दिया, रिसॉल्व हो गया विद इन अ मिनट, तो इसलिए हो जाता है ऑटोमेशन, टेस्टिंग टूल, ये सारे टूल्स टूल्स को सीखना है, ठीक है। आज चैट जीपीटी है, उसको यूज करना आ रहा है, कंपनी थोड़ी निकालेगी, आप यूज करो, टूल है, फ्री है, गूगल करना आता है, क्यों निकालेगी कंपनी, राइट। और कोई क्वेश्चन? हेलो बोलिए सर। सर, मैं ये पूछ रहा था कि कोई अलग अलग कंपनी में अलग अलग टूल यूज होते होंगे ना? टूल, हाँ हाँ, मैंने इसलिए बोला ना कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको दो टूल अच्छे से आता है, जैसे मैंने लिनक्स AWS बोला, तो इसमें भी जॉब लग जाएगी, पूरा नहीं आता, किसी दो टूल तीन टूल में अच्छा स्ट्रांग नॉलेज है, उस पे भी जॉब लगेगी, लेकिन जॉब लग अभी जाएगी। हमारी कंपनी में ना सेप क्लाइंट जो है हाँ सेप यूज होता है, एजोर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, सेप हाँ सेप तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। राइट, तो हम मैंने बताया ना हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ AWS हो रहा है, AWS, जो मैंने बताया कि अगर आपने AWS क्लाउड को पढ़ लिया तो AWS क्लाउड में भी आपकी जॉब लगी। अब आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो आपकी एजोर क्लाउड से यूज हो रहा होगा, राइट, तो आप उसमें भी काम कर रहे हो। नहीं मैं वो नहीं बात बात कर रहा, सेप क्लाइंट है, सेप
एसएपी, 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 एस एच आई एफ। ठीक है ठीक है, क्लाइंट हो आपका। तो आपके इंडस्ट्री में एक ही टूल यूज हो रहा है, एजोर क्लाउड, राइट? हमारा खुद का डेटा सेंटर भी है और एडब्ल्यूएस अच्छा भी यूज करते हैं। अच्छा अच्छा खुद का भी? हाँ ऐसा भी हो सकता है कंपनी का, देखो कंपनी कुछ ऐसी होती है जिनका खुद का फिजिकल डेटा सेंटर है, क्लाउड भी यूज कर रही होगी, गूगल भी यूज कर रही होगी, एजोर भी यूज कर रही होगी। कल को लगता है उसको कि मुझे माइग्रोट माइग्रेट करना है फिजिकल टू क्लाउड, तो क्लाउड को माइग्रेट करना भी आना होगा, ठीक है? तो इस सब को पढ़ के ना आपकी प्रोफाइल बनेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ो, हो सकता है दो टूल पढ़ के ही जॉब लग जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं कल नहीं, 3 साल बाद 4 साल बाद नौकरी चली जाएगी तब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए ये दोनों स्ट्रांग करिए, फिर सी भी आप इंटरव्यू देते रहो, ठीक है? मैंने और नाइन अगर मतलब हंड्रेड लिनक्स और AWS स्ट्रॉन्ग किया तो भी चलता है ना सर क्या, जॉब, हाँ लिनक्स इस, और AWS? हाँ इसमें अच्छे से AWS को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो सीवी अपडेट मारी, वहां पे भी 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस ले लिया जाता है। लेकिन ओके हाँ, लेकिन अगर कंपनी के अंदर मल्टी इन्वायरमेंट मल्टीपल्स टूल है तो फिर आपको उस हिसाब से बोलेगी कंपनी। जब JD देती है ना जॉब यस। डिस्क्रिप्शन, उसमें सब लिखा रहता है स्ट्रांग नॉलेज इन लिनक्स, स्ट्रांग नॉलेज इन पाइथन, स्ट्रांग नॉलेज इन टेराफॉर्म, मतलब उसको इन बंदे की डिमांड है। ओके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? जैसे एंसिबल नहीं, एंसिबल स्किप कर दो, जरूरी नहीं बोलो सर उसमें हम मैंने काम नहीं किया, राइट? ओके सर। और किसी का क्वेश्चन सर? ठीक नो सर, सर है, ये बोलिए। सर अभी आप कॉल देते हो क्या लिनक्स और AWS को आप क्या बोल रहे हैं आप? पढ़ाने पढ़ाने के बाद, जब आप पढ़ाने के बाद लिनक्स और AWS को? हेलो सर, हाँ, लिनक्स AWS को क्या बोल रहे हैं आप? AWS और लिनक्स पढ़ाने के बाद आप जॉब सजेस्ट करते हो क्या, रेफर करते हो क्या लिनक्स पे और हाँ मैं AWS आपको पे? सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीवी अपडेट बना के डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप देखो, आप सोचोगे कि मैं 4 महीने पूरा पढ़ लूं, राइट? ठीक है पढ़ लीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप सीवी अपडेट कर दो इतना पढ़ के, और क्लाउड में अपनी प्रोफाइल डालिए AWS एडमिन, क्लाउड में इतनी सर्विसेज उनको पढ़िए, उसमें सीवी अपडेट मारी, एटलीस्ट इंटरव्यू से आपको क्रॉस क्वेश्चन मिलेगा, सर मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये रियल टाइम में पूछ रहा है, राइट? ऐसा नहीं कि पूरा सर पढ़ एक के। क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, अगर प्रैक्टिस करते समय अगर कोई डाउट आए तो उसका रिजोल्यूशन कैसे राइट, मिलेगा? उसका रिसोल्यूशन दोनों, आपके पास 3 मोड होगा। पहला तो वीडियो री मिलेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है? पहला तो लाइव क्लास होगा, लाइव में आप पूछ लो, फिर वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद कहीं पे आप स्टक हो जाते हो, तो स्टक होने के लिए आपको ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप में अगर रिसॉल्व नहीं होता तो फिर आप मुझसे एनी डेस्क में, जैसे आप जूम में कनेक्ट होता है ऐसे एनी डेस्क में आपसे कनेक्ट होऊंगा। आप किसी लैब में फंस जाते हो तो मैं आपको स्टेप बताऊंगा, आप ये एरर कर रहे हो, ठीक है? बाकी ओके ग्रुप में भी अगर आप, ग्रुप में भी अगर आप फोटो भेज देते हो सर आई स्टक देयर, तो वहां पे मैं ऐड हूँ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हेलो बोलिए सर। जी हेलो सर, जी सर, सर। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं बाबू बोल रहा हूँ सर। मैं बोल रहा था कि अगर ये खत्म होने के बाद आप बोल रहे हो कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एक्सचेंज सर्टिफिकेट है तो उसमें AWS का वो सर्टिफिकेशन जो मिलता है उसको कुछ वैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा अगर मैं AWS सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ राइट? हाँ, हाँ यही बात कर रहा हाँ हूँ। इस मैं इसे अभी नहीं बोलूंगा कि आप AWS के सर्टिफिकेशन को करो, अभी मत करो, मैं आपको नहीं बोलूंगा, पहले आप नॉलेज लो। कल को इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं आपसे, हर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं आर यू सर्टिफाइड, आर यू सर्टिफाइड, तब आप सर्टिफिकेशन लेके रख लो, अदरवाइज मत लो, नॉलेज के बेस में जॉब लगती है। अगर मांग रहा है 99 इंटरव्यू में सब में मांग रहा है, तब आप कर लो सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन कोई बड़ी चीज थोड़ी, पास हो जाओगे।
नहीं, ठीक मेरा है, ख्याल से सजेशन मतलब आर्किटेक्ट। था कि अगर, हेलो, सर नहीं मेरा ख्याल अगर बोलिए। आपके, हाँ आफ्टर AWS एंड लिनक्स आप हमारे CV में हेल्प करोगे क्या, क्या अपडेट देना हाँ होगा या बिल्कुल फिर कुछ भी? बिल्कुल, ये क्वेश्चन अच्छा बोला आपने। मैं सीवी की भी गाइड दूंगा, सीवी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद इंटरव्यू में अगर लगता है कि आपका मॉक टेस्ट लेना है तो मैं मॉक इंटरव्यू भी ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू सर, मुझे, मैं थोड़ा मतलब इट इज अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं मेरे सिस्टम पे मेविन इंस्टॉल करके जावा का यूज कर रहा था, बट मुझे एरर आ रहा था, मुझे उसमें थोड़ा रिजोल्यूशन चाहिए। व्हाट विल क्या बी द एरर ग्रेट था टाइम टू कनेक्ट एरर कनेक्ट विद यू? उसमें, एरर क्या? 1 मिनट, माविन कहाँ पे इंस्टॉल किया, AWS क्लाउड लोकल पे, एजोर पे या गूगल में? लोकल पे कर रहा हूँ मैं, लोकल में कहाँ पे, VM में? अपने सिस्टम में, मतलब मुझे पता नहीं है, यूट्यूब के वीडियो देख के मैं कर रहा था तो मुझे थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो उसमें थोड़ा गाइड चाहिए। नाम भी बता दी, YouTube में कहाँ से? सॉरी, कौन सा चलिए नाम? कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी देखो होता क्या है ना, कभी जो आप YouTube में वीडियोस देख के बना रहे हो ना, तो उसमें जो कर्नल होगा ना, जो माविन इंस्टॉल कर रहे होगे, हो सकता है वो 2019 की वीडियो हो, राइट, 2018 की वीडियो हो, 2020 की हो, तो आपको कुछ एरर मिल रहा होगा, उस एरर को रिसॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, उसके स्टेप भी नहीं मिल रहे होंगे, राइट। करेक्ट, या मतलब मैंने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हाँ किया, सेम इश्यू हो रहा है। यस हाँ अगर उसने जो बताया होगा वीडियो में, उसने ओल्ड वर्जन पे बताया होगा, अब आपने न्यू अपडेट करेक्ट, रहा हो, है ना, ये एरर, ये हाँ सारी जो एरर ना, उसको कॉपी की सर्च इन गूगल, गूगल में मल्टीपल टैब ओपन करो, कोई ऐसा लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको एरर रिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कभी क्लास रहते तो आप मुझे स्क्रीन दिखा, मैं आपके स्क्रीन देख के, क्या है, बंद रूप में मुझे एरर भेज देना तो मैं देख लूंगा। मैंने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल किया, जावा इंस्टॉल किया, जावा में नॉर्मल प्रोग्राम में उससे ये बोल रहा है कि मेन मेथड ही नहीं मिल रहा है, इक्लिप्स डज नॉट फाउंड मेन मेथड, और मैंने तो वहां मेन डाला है, मतलब सिंपल एरर है बट नॉट एबल टू रिजॉल्व इट। वो इक्लिप्स सॉफ्टवेयर का इशू इसमें आता है वेबसाइट सर, पॉपुलर होगी, राइट। इक्लिप का इशू आ रहा है तो इक्लिप सॉफ्टवेयर का इशू आता है। हाँ कल हम करें, राइट, या फिर कभी नेक्स्ट डे, तो आप मुझे रिमोट में देना, मैं रिमोट में देख के चेक कर लूंगा, राइट, आपका। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन सर पे? चलिए फिर, आई थिंक ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पूछो। बोलिए बोलिए सर। AWS में लाइक EC2, S3 और क्या क्या टूल, मेजर टूल्स क्या क्या रहते हैं अभी? उसके सर्विसेज तो बहुत है लेकिन मोस्ट ऑफ पॉपुलर सर्विसेज। हाँ, AWS में EC2 हो गया, VPC हो गया, S3 बकेट हो गया, IAM हो गया, लोड यस बैलेंसर हो गया, ऑटो स्केल, क्लाउड फ्रंट हो गया, राइट, SNS हो गया, क्लाउड यस वॉच हो गया, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इंडेक्स, सर, यस। डेटाबेस हो गया, सब पढ़ोगे सर, आप टेंशन मत लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर आपका ठीक है सर, ऑफलाइन तो थैंक्स, रिलैक्सेशन रहता है ना सैटरडे को? जी यस जी यस बोलिए। आप आ सकते हैं सैटरडे ऑफिस को, में। हाँ आ यस यस सकते हैं। ऑफलाइन रहता है पुणे में, आप आ सकते हैं, तो यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैटरडे को, आप लाइक ऑन वीकली बेसिस पे 3 टाइम्स भी आ सकते हैं, लाइक मैं तो चाहूंगा सब रोज आओ, बट लाइक इट्स योर, आप वीकली में 3 टाइम्स आ भी सकते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन में भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सर, ओके थैंक यू फॉर योर सिस्टम।
इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, अगर किसी को अभी तक किसी ने अगर एनरोलमेंट नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज डू द एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन सो दैट वी विल गोइंग फॉर देयर डिटेल्स एंड ऑल। सर क्या आप लाइक स्क्रीन शेयर करना, मैं स्क्रीन शेयर कर सकूँ क्या? सर आपका ऑफलाइन ऑफलाइन में भी क्लास होता है ये क्लास क्लास? आपका ऑनलाइन रहेगा, बट आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट रहता तो यू कैन सिंपली आस्क ओवर देयर एंड यू कैन गॉट योर सॉल्यूशंस। लाइक ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन पे नहीं मिलेगा सॉल्यूशंस, ऑनलाइन पे भी मिलेगा, बट आप ऑफलाइन पे भी आके प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। ठीक ठीक है, जी ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को और कुछ क्वेरीज है, यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी ओवर हियर इन दिस माय नंबर, मैं गिवन नंबर, ठीक है, बिलो नंबर से मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इसका भी अगर मतलब स्टिल हमारा एडमिशन चालू है, तो जिसने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स या ब्रदर सिस्टर को किसी को भी रेफर करना चाहते हैं, ठीक है, यू कैन सिंपली रेफर देम, ठीक है। एंड जो भी रहेंगे इन्फॉर्मेशन, आपको सारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप में, मेन ग्रुप में आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग क्लासेस, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन इन द मेन ग्रुप, हमारे मेन ग्रुप में। ओके थैंक यू सर। या थैंक यू ईच एंड एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल।